हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। यू हेल्पर की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। आज इस वीडियो में आपको शो करने जा रहे हैं कि मोबाइल बैटरी बूस्टर किस तरह बनाया जाता है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार होगी वो हम आपको दिखाएंगे। हमें एक 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी जो कि 12 वोल्ट का है। ये इसके अलावा हमें एक पीसीबी सर्किट की ज़रूरत होगी। प्रोजेक्टर, ये जो सर्किट है प्रोजेक्टर सर्किट है, इसकी ज़रूरत होगी। चार अदर डायोड की ज़रूरत होगी, चार अदर डायोड जो कि 10 एम्पेयर के हैं, इसकी ज़रूरत होगी। क्योंकि हम फुल वे रेक्टिफायर डायोड, फुल वे रेक्टिफायर चार्जर बना रहे हैं, इसलिए हम चार डायोड लगाएंगे। इसलिए हमें एक एलईडी लाइट और एक अदद 407 ओम रेजिस्टेंट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ये जो डीसी लूप्स के लिए जो हम निकाल रहे हैं डीसी लूप्स, इसके लिए वायर की ज़रूरत होगी। तो ये वायर है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम सर्किट को बना लेते हैं। सर्किट को बनाने के लिए हमें इसमें डायोड लगा देते हैं। तो हम डायोड लगाने के लिए, अच्छा जी, जो फुल वे रेक्टिफायर चार्जर होता है इसके लिए चार डायोड की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसको भी लगा दिया तीन, और ये लास्ट में चार हो गए हैं। ये चौथा भी लगा दिया मैंने। इन चारों डायोडों के बाद हम एक एलईडी लाइट को लगा देते हैं। अब इसके लिए एक रेजिस्टेंट की ज़रूरत होगी, तो ये मैं रेजिस्टेंट भी लगा देता हूँ यहाँ मेरी बैक साइड पे। अब यहाँ पे कुछ असेंबल्ड करना होगा इन कनेक्शंस को, तो मैं असेंबल्ड करने जा रहा हूँ, डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। गया है, फुल वे रेक्टिफायर सर्किट बन गया है। तो आगे देखते हैं। तो इस सर्किट को मज़ीद साफ करने के लिए मैंने ये जो एक्स्ट्रा लोब्स निकल गए थे उसको मैंने कटर के ज़रिए काट दिया है। तो इसको मैंने ऐसा बना दिया। अब हम इस सर्किट को सोल्ड करने जा रहे हैं। तो सोल्डिंग के लिए हमने अब मैं डीसी लोब लगा लेता हूँ। डीसी को जो आउटपुट वायर है उसको लगा देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा इस के ज़रिए साफ कर देता हूँ। इसको मैंने सॉल्व किया। अब ये प्लस लूप है, तो हम सर्किट को पीछे करके देखते हैं कि प्लस लूप कहाँ है। ये देखिए, ये प्लस है, तो मैं ये प्लस लूप यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए, इसको साफ किया मैंने, इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से वहाँ पे लगे। ये देखिए, ये रहा माइनस लूप, माइनस यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे लग जाए। मैंने इसको यहाँ पे सोल्व किया, ये प्लस और ये माइनस। एलईडी लाइट्स की जो पॉइंट निकले थे उसको भी मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। मैंने एलईडी लाइट के लिए प्लस वायर यहाँ पे लेके आया था जंपर के ज़रिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी सफाई कर देता हूँ, तो एक्स्ट्रा लूप्स है इसको प्लस इसको काट देता हूँ। यहाँ पे मैं इन लूपों को यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सोल्व किया, दूसरे को
यहाँ पे जो एलईडी का जम्पर मैंने लगाया था वो मैं प्लस के साथ यहाँ पे वो भी सॉल्व कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे सोल्व किया है तो ये बैटरी बूस्टर बिल्कुल बन गया है। एक दफ़ा चेक कर देते हैं, यहाँ पे लगा दिया मैंने, ओके ये माइनस वायर है जबकि ये प्लस है, ये एलईडी है। मैंने यहाँ से यहाँ तक जंपर किया है माइनस को, माइनस के साथ लगा दिया जबकि इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट के सीरीज किया है, सीरीज कनेक्शन किया जबकि इसको मैंने जंपर लगा के जमा के साथ जंपर किया है। तो इस वायर को मैं इसी के ज़रिए कनेक्ट कर देता हूँ। लो हमारे ये जो बैटरी बूस्टर है इसने काम शुरू कर दिया है। तो चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर का सहारा लेता हूँ। अब मल्टीमीटर को मैं डीसी के ये जो 20 वोल्ट है इस पे मैं सेलेक्टर को सेट कर देता हूँ। अब मैं वोल्टेज को देखता हूँ कितने वोल्ट निकालता है ये। ये देखिए मैंने ये प्लस प्लस और ये सॉरी जी प्लस को मैंने यहाँ पे और माइनस लूप को यहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए ये 9 वोल्ट का करंट निकालता है। चूँकि ये 12 वोल्ट का है मैंने 2.5 वोल्ट लगा दिए तो इसने तकरीबन 3 वोल्ट घटा दिए। तो ये देखिए ये 9.36 वोल्ट करंट निकालता है। तो अब इसके साथ हम बैटरी को चेक कर देते हैं। देखिए ये एक नोकिया बैटरी है नोकिया। अब इसमें ये वोल्टेज चेक करते हैं कितने वोल्टेज है इसमें। ये जो प्लस लोप है मैंने प्लस पे लगा दिया, प्लस लोप को प्लस पे लगा दिया है और माइनस को माइनस पे। ये देखिए ये ऑलरेडी 4 वोल्ट निकालता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अब ये बैटरी है इसको चेक करते हैं कितना वोल्ट निकालता है, इसमें चार्ज है कि नहीं। तो हम ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस। तो मैं प्लस लोप को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ ये भी 4.5 वोल्ट निकाल लेता है। लेकिन चार्ज करने के लिए सिंपल सादा सा तरीका है। ये देखिए ये मैं ये देखिए ये है प्लस लूप, प्लस लूप को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, प्लस लूप को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये देखिए, और माइनस लूप को मैं माइनस पे लगा देता हूँ। नहीं माफ, ये देखिए जब मैं ये लगा देता हूँ तो ये एलईडी की जो लाइट होती है वो थोड़ी सी मदम हो जाती है। ये देखिए मैंने लगा दिया एलईडी की लाइट थोड़ी सी मदम हो गई। इसका मतलब यह है कि ये बैटरी को चार्ज कर देता है। तो हमारा ये बैटरी बूस्टर बिल्कुल बन गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। शुक्रिया।